नमस्कार दोस्तों, जब हम लोग ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हैं तो भाई उसमें से यानी कि हम लोग को 11 प्लेयर लेना होता है। दोनों टीमों की तरफ से मिला करके जो है कि 22 प्लेयर खेलते हैं, हम लोग को उसमें से 11 प्लेयर चूज करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 11 प्लेयर चूज करते हैं भाई, उसमें से होता क्या है, हम लोग 11 प्लेयर में से भाई हम लोग जो है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 प्लेयर को बनाना होता है। तो 2 प्लेयर को हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते हैं। मान लीजिए हम किसी बैटर को बनाया है कैप्टन और बॉलर को बनाया है वाइस कैप्टन, या ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन बनाया है, या बनाया है कैप्टन बॉलर को और वाइस कैप्टन बनाया है बैटर को। भाई इसमें मैटर क्या करता है, हम लोग जो है कि पीछे रह जाते हैं भाई, हम लोग का वाइस कैप्टन चल जाता है कैप्टन नहीं चलता है, और कैप्टन चल जाता है तो वाइस कैप्टन नहीं चलता है। और क्या होता है, और ये होता है, और जो कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों चल जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग के जो साइड वाले प्लेयर हैं वो उनमें से एक या दो जो है कि ड्रीम टीम में नहीं आता, यानी कि पॉइंट नहीं देता है। हम लोग एक टीम लगाते हैं और नहीं जीत पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई 2-4 टीम बनाऊं और उसमें से कंपोजिशन बना लूंगा, किसी को एक में इसमें ड्रॉप करूंगा और दूसरी टीम में ले लूंगा, दूसरी टीम में ड्रॉप करूंगा, तीसरे में ले लूंगा। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए 1, 2, 3 टीम आपने लगा दिया, 3 टीम में होता क्या है, जो है कि पहले में आपका कैप्टन चला और दूसरे में आपका जो है कि वाइस कैप्टन चला, कैप्टन नहीं चला, तीसरे में आपका कैप्टन चला तो भाई जो साइड वाले प्लेयर हैं वो नहीं चले। भाई उसमें मान लीजिए दोनों प्लेयर को लिए हैं और तीसरा वाला प्लेयर चलने वाला है, तो भाई दूसरे आप जो है कि टीम में ले लिए हैं और उस टीम में नहीं लिए हैं जिसमें आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन चला। तो ऐसे ही करके हर जो है कि तीनों टीमों में कोई इसमें अगर चलेगा तो उसमें नहीं चलेगा, तो आप सोचेंगे वो यही प्लेयर उसमें ले लिया होता पहले वाला टीम में तो भाई मेरा रैंक वन आ जाता। भाई ऐसे ही करते करते आप 10 टीमों तक लगाने लगते हैं, 20 टीमों तक लगाने लगते हैं, लेकिन फिर भी आप जब भी लगाते हैं तो भाई 20 टीम लगाते हैं तो 2-4-5 टीम में या 10 टीम में पैसा आ जाता है और 10 टीम का पैसा आपका लॉस हो जाता है। तो करना क्या है आपको, आप भाई बहुत जो है कि रिस्की टेकर हैं तो भाई 2 या 3 टीम लगाएं, नहीं तो आपको अगर जो सही तरीके से खेलना है तो सिर्फ एक टीम लगाएं। और एक टीम लगाएं तो कैसे लगाएं मैं बता दे रहा हूँ, सही तरीके से आप लगाएंगे मेरे भाई तो आप जो है कि पैसे जीत सकते हैं और रैंक वन पे आ सकते हैं। और जो आपका 11 प्लेयर भी नहीं ड्रीम टीम में आता है तो भी आप जो है कि रैंक वन जीत सकते हैं। कैसे मैं बता दे रहा हूँ, आप अगर जो 10% वाले 15 से 20% वाले प्लेयर को लिए हैं और अगला जो है कि आपका जो है कि 90% 85% सिलेक्शन वाले को लिया है, अगर जो आपका एक प्लेयर जो है कि नहीं ड्रीम टीम में आता है और जो 2 प्लेयर जो है कि सबसे कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले को लिए हैं और वह ड्रीम टीम में आता है, भाई आपका रैंक आगे जाएगा और आप जो है कि रैंक को 1 ना करके 1 या 2 करोड़ रुपए आप जीत सकते हैं। भाई आपको एक ही टीम लगाना है, और मैं एक कहता हूं अगर जो आपके किस्मत में रहेगा तो एक ही टीम लगाएंगे तो आप 1-2 करोड़ रुपए जीत लेंगे, और जो आपके किस्मत में नहीं रहेगा तो आप 10 टीम भी लगाएंगे तो नहीं जीतेंगे। तो भाई आप जो है कि टीम को लगाते रहें और जो आपको 1 से 2 करोड़ रुपया जीतना है, जिस दिन आपका भाग्य साथ देगा कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको 1 या 2 करोड़ रुपये जीतने से, यह मैं कहता हूँ। लेकिन आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लगाना है, 15 से 20 टीम नहीं लगाना है, 1 से 2 टीम लगाना है मेरे भाई। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई हमारे वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई नमस्कार।